सामना में छगन भुजबल पर शिवसेना का हमला। संपादकीय में लिखा, आलू प्याज बेचकर इतना अमीर हुआ जा सकता है तो किसान नहीं मरते भूखे। शिवसेना का आरोप, पिछले 25 सालों में भुजबल ने अपने पद का किया गलत इस्तेमाल, बटोरा धन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ताज शरद पवार के सर, दिलीप वेंगसरकर और आशीष शेलर भी जीते। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट की सरकार को फटकार, लगाम कसने के लिए ठोस नीति नहीं बनाने पर लताड़ा। ऑटो वालों की हड़ताल से जागी सरकार, परिवहन मंत्री दिवाकर राउते का दावा, निजी कैब कंपनियों के लिए तैयार हो रही है नई पॉलिसी। जन कल्याण की योजनाओं को लेकर शिवसेना की बीजेपी से खटपट, शिवसेना और ऐसी योजनाओं को खुद शुरू करने की बना रही है योजना। फडणवीस कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार, 9 और मंत्रियों को शामिल करने की तैयारी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का ज्ञान जरूरी, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा, सख्ती से नहीं प्यार से लागू किया जाएगा मराठी भाषा। बीएमसी की मुंबई वासियों को हिदायत, सड़क के किनारे खुले स्टॉल से नाले खाने पीने का सामान, जांच में 500 में से 90 सैंपल में ई कॉली बैक्टीरिया। मुंबई ईडी ने 900 करोड़ की गड़बड़ी की जांच शुरू की, इस मामले में छगन भुजबल समेत 21 लोगों पर ईसीआईआर दर्ज। भुजबल पर फेमा के तहत भी हो सकती है कार्रवाई, करीब 35 करोड़ सिंगापुर की एक फर्जी कंपनी में लगाए। ऑडी हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार की मांग, वकील जानवी को मिले कड़ी सजा, इस हादसे में हुई थी एक की मौत और 4 घायल। मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं होने की वजह से बुधवार को जानवी की सुनवाई टली, बचाव पक्ष की अदालत से अपील, जानवी को मेडिकल मदद की जरूरत। मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों का 74 किलो ड्रग्स जब्त, बाजार में ड्रग्स कीमत 7.5 करोड़। ऑटो चालकों की हड़ताल के बाद पटरी पर लौटी मुंबई की रफ्तार, निजी कैब कंपनियों पर बैन और भाड़ा बढ़ाने को लेकर की गई थी हड़ताल। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक मुंबई देश का सबसे महंगा शहर, दुनिया में मुंबई 74वें पायदान पर। अपनी अगली फिल्म में सनी देओल अपने बेटे को कर रहे हैं डायरेक्ट, फिल्म घायल वंस अगेन जल्द होगी रिलीज। करीना को है टैटू से परहेज, पति सैफ ने अपने हाथों पर टैटू बनाकर ही किया था प्यार का इजहार। बिग बी बनेंगे सुपर हीरो, डिज्नी के 52 एपिसोड में अमिताभ बच्चन दिखेंगे सुपर हीरो के किरदार में।